तो गाइस मुझे यहाँ पे फॉलो कीजिए, जो भी बिगनर्स हैं जिनको भी प्रैक्टिक लाइन प्रैक्टिस नहीं आती है वो भी सीख सकते हैं बहुत आसान तरीके से। इसमें आपके लाइन प्रैक्टिस भी हो जाएगी बिना स्केल के। तो चले गाइस, आपने देखा ही होगा थंबनेल कि मैं क्या बनाने वाला हूँ आज। तो चले गाइस शुरू करते हैं। और कैसे शुरू करते हैं, अगर आपको ऐसा पेपर आपके पास नहीं हो तो आपके पास जो भी प्रिंटआउट पेपर हो या जो भी आप ड्राइंग का पेपर इस्तेमाल करते हो उसमें ऐसे छोटे छोटे बॉक्स आपको तैयार करना है स्केल के मदद से। या नहीं तो आपके पास ऐसा कुछ पेपर आपको मिल जाए तो बहुत ही अच्छी बात है। तो चलो गाइस शुरू करते हैं, हम कैसे 3D एरो बनाते हैं मैं आपको सिखाऊंगा। तो आपको इसमें एक्सेप्ट करना ये होगा कि आपको जो ये बॉक्स आते हैं वो गिन के आपको करना होगा। तो चलिए मैं आपको दिखाता हूँ मैं कैसे ड्रॉ करता हूँ, ठीक है। तो गाइस ये देखिए, पहले तो मैं यहाँ पे देख रहा हूँ कितने बॉक्स में 6 बॉक्स गिनूँगा। तो ये होगा 1, 2, 3, 4, 5, 6, ठीक है। तो यहाँ पे मैं राउंड करूँगा, आपको दिखेगा, देखिए 1, 2, 3, 4, 5, 6 हो गया ये राउंड, ठीक है। ये 2 राउंड हो गए और यहाँ से हमें 3 बॉक्स चाहिए। तो देखिए 1, 2, 3 ये हो गया राउंड। तो यहाँ 1, 2, 3 तो ये ऐसे देखिए आप, ये मैंने 3 राउंड कर दिए। और इसके बाद आपको करना क्या होगा, यहाँ से 2 राउंड लेने, 2 बॉक्स लेने होंगे, 1, 2 तो यहाँ पे आ जाएगा राउंड, ठीक है। इसके बाद यहाँ से 1, 2 फिर से यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ से दूसरे हम यहाँ पे 4 2 2 हमें बॉक्स चाहिए, इसलिए हमें 2 2 जगह पे राउंड करना होगा। तो देखिए 1, 2 तो ये हो गया 2, ठीक है। तो 1, 2 ये हो गया 2। तो एक एरो आपको दिख रहा होगा। उसके बाद हमें यहाँ पे दूसरा एरो नीचे ड्रॉ करना है। तो इसके लिए आपको करना क्या होगा, तो यहाँ पे ये जो बॉक्स है उसके सामने एक ये यहाँ पे 1 2, ठीक है, ये हो गया 1 बॉक्स। फिर यहाँ से हमें 3 बॉक्स लेने, तो देखिए 1, 2, 3 तो यहाँ पे मैं राउंड करूँगा। उसके बाद 1, 2, 3 तो यहाँ पे मैं राउंड करूँगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे 2 बॉक्स हमें लेने होंगे, 1, 2 तो यहाँ पे राउंड कर दूँगा। उसके बाद यहाँ पे भी 2, 1, 2 तो ये होगा राउंड। आप मुझे फॉलो कीजिए, उससे आपको पता चलेगा कि मैं कहाँ पर राउंड करता हूँ, ठीक है। उसके बाद हमें यहाँ पर भी राउंड करना है, तो 1, 2 तो ये हो गया 2, ठीक है। उसके बाद हमें ऐसे लाइन करनी है, इसके लिए आपको मैं दिखा रहा हूँ। उसके बाद आपको यहाँ पे जो ये एरो हो गया 2 बॉक्स, इसके बाद आपको यहाँ पे दूसरा 2 बॉक्स देखने हो गए वहाँ पे राउंड करना कर दो। देखिए मैं कैसे करता हूँ, 1, 2 तो ये हो गया दूसरा राउंड, ठीक है। अब आपको क्या करना होगा, मार्कर से आपको लाइन ड्रॉ करनी होगी तो उससे ज़्यादा अच्छा लगेगा। तो मैं यूज़ करूँगा, तो गाइस मैं यूज़ करूँगा मार्कर जो है कैमलिन का। तो चले कैसे मैं ड्रॉ करता हूँ मैं आपको दिखाता हूँ। तो देखिए गाइस, मैं बिना स्केल के आपको मैं दिखाऊँगा कैसे मैं एरो ड्रॉ करता हूँ। तो देखिए गाइस, आपको जो सीधी लाइन बनानी है तो आपको क्या करना होगा, जो लाइन आती है ये बॉक्स की वहाँ से सीधे ही लेना होगा, तो वैसे आपको आसानी होगी। ठीक है गाइस, देखिए उसके बाद आपको यहाँ पे वही करना होगा दूसरे एरो पर। जो भी बिगनर्स है उनके लिए बहुत ही आसान होगा, नहीं है इसमें आपको स्किल की जरूर पड़ेगी, उससे स्किल के बिना ही आपकी प्रैक्टिस भी हो जाएगी और अच्छा आप वो भी करने लगोगे, उसके साथ आपकी लाइन प्रैक्टिस भी अच्छी तरीके हो जाएगी, ठीक है गाइस। ये थोड़ी सी बाहर गई, चलिए इसको यहाँ पर कर देते हैं। अब मुझे फॉलो कीजिए कि मैं कैसे करता हूँ, तो ऐसे देख के आप ड्रॉ करें।
और इसमें आपको ये ध्यान रखना होगा, ये दो जो लाइन है वो आपको नहीं ड्रॉ करनी है। तो देखिए गाइस, हो गए हमारे 3D एरो। और आप इसमें अगर आप ज़्यादा 3D दिखाना चाहते हो तो यहाँ पे आप जो ये बॉक्स है वहाँ पे पेंसिल से आप डार्क कर सकते हो, उससे भी अच्छा लगेगा। तो कैसा, तो गाइस इसमें आप, मैंने कहा आपको कि पेंसिल से आप ड्रॉ कर सकते हो, तो कैसे ड्रॉ करना है तो ये देखिए गाइस। मैं तो सिर्फ आपको दिखाने के लिए कर, नहीं तो आप ऐसे भी छोड़ सकते हो, लेकिन मैंने सोचा क्यों ना यहाँ पे कुछ 3D जैसे दिखाने की कोशिश करूँ। गाइस कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताना। अगर आपको ऐसे ही वीडियो चाहिए दूसरी तो कमेंट करके ज़रूर बताना। और ऐसे ही बिजनेस लोगों को आसान तरीके से मैं ड्राइंग सिखाने की कोशिश करूँगा। तो गाइस आपने देखा ही, जो भी बिजनेस लोग हैं उनके लिए बहुत ही आसान वीडियो है। तो ऐसे ही आसान ट्रिक सीखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक कीजिए। और आप ऐसे ही वीडियो देख, अगर आपको ऐसे ही वीडियो चाहिए जो बेसिक स्ट्रक्चर के बारे में, जो भी आपको और जो भी बिजनेस लोग सीखना चाहते हैं लाइन प्रैक्टिस, तो कमेंट करके ज़रूर बताएं, तो उसके ऊपर मैं एक वीडियो बनाऊंगा। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। तो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय।